चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में हो सकता है ट्रेड। आईपीएल 2023 में फिर चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए नजर आ सकते हैं फैफ डु प्लेसी। जानेंगे क्या है पूरी खबर, वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना न भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आईपीएल 2023 से पहले हमें चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में एक बड़ा ट्रेड देखने को मिल सकता है। दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स की टीम फैफ डु प्लेसी को अपनी टीम में दोबारा शामिल करना चाहती है। आपको बता दें पिछले सीजन में फैफ डु प्लेसी को रिलीज कर दिया गया था, जिसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने फैफ डु प्लेसी को खरीदा था और अपनी टीम का कप्तान भी बना दिया था। हालांकि अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम फैफ डु प्लेसी को दोबारा खरीदना चाहती है। कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स को पिछले सीजन में फैफ डु प्लेसी की कमी खली थी। खबरों की माने तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ फैफ डु प्लेसी को लेकर के एक बड़ा ट्रेड करना चाहती है। खैर ये तो वक्त ही बताएगा कि फैफ डु प्लेसी किस टीम की तरफ से खेलते हैं। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।